आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। दुर्गे स्मृता हरसी भीति मशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभां ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तुदन्य सर्वोपकार करणाय सदार्द चित्ता। ओम सब पे उपकार करने वाली है माँ, हमारी सभी प्रकार से रक्षा कीजिए। शक्ति स्वरूपा बन के मानसिक और शारीरिक शक्तियों का विकास करें हमारे भीतर। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ आज 15 मार्च 2024 चंद्रमा वृषभ राशि में, अहोरात्र उच्च के चंद्रमा और नक्षत्र कृति का सूर्य का शाम 4:07 तक, उसके बाद चंद्र का नक्षत्र रोहिणी। आज मंगल कुंभ राशि में जाने वाले हैं शाम 6:10 पर। तो हम जानेंगे मंगल के कुंभ में जाने का असर क्या होगा सभी राशि वालों पर। प्रथम चरण में मेष राशि, आपके लग्नेश है मंगल और लाभ में चले गए तो लाभ तो देंगे आपको। दिमाग बहुत गुस्सेबाजी से रहेगा, झगड़े ना हो जाए, केस और विवाद और आपके कोई भी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ काम है, थोड़ा शांति से बेचैनी मत कीजिए। वृषभ राशि, आपके लिए कार्यस्थल पर झगड़े ना हो, बनते बनते कामों में बाधा ना हो, आपके स्टेट एजेंट से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में धोखा ना मिले और साथ साथ वाहन आराम से चलाइए। मिथुन राशि, नए नए लाभ के अवसर तो प्राप्त होंगे, धन कमाने की पूर्ण आपको संभावनाएं दिखती हैं, लेकिन झगड़े फसाद के बाद केसेस विवाद में ना उलझें और यात्राओं पर जाएं तो अपना ध्यान रखें, रैश ड्राइविंग ना करें। कर्क राशि, आपके लिए तबीयत को संभालना बहुत जरूरी रहेगा। आपके कुछ काम विवाहित जीवन के, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ जो बन रहे थे वो थोड़ा स्थगित हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस ना करें तो अच्छा है और जितना हो सके महामृत्युंजय का जाप कीजिए। सिंह राशि, आपके विवाहित जीवन के जोड़े या व्यावसायिक जीवन के जोड़े के साथ अनबन या उनके साथ विघटन करना ठीक नहीं है और उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना जरूरी है, व्यवसाय ध्यान से करें। कन्या राशि, आपके विरोधी उठ खड़े हो सकते हैं लेकिन शत्रु अंता योग बनाता है मंगल। आपके शत्रु परास्त होंगे लेकिन बहुत ज्यादा किचकिच मचमच के बाद सावधान रहिए, लोन्स लेने के लिए भी और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के करें। तुला राशि, मंगल का दिमाग पर शनि मंगल युति बनाना आपको ना गवार गुजर सकता है। दिमाग को गुस्सेबाजी में मत डालिए, मेडिटेशन कीजिए, महामृत्युंजय के जाप कीजिए, अपनी मानसिक तबीयत और बच्चों की मानसिक तबीयत का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, घर में सुख सुविधा बनी रहे इसलिए झगड़ पट्टी मत कीजिए, कामकाज में बेचैनी मत कीजिए, मातहत लोगों के साथ बुरा मत कीजिए। मेरे हिसाब से आपको अपनी तबीयत संभालना भी जरूरी है। धनु राशि, मंगल शनि युति में यात्राओं पर सावधानी बरतनी चाहिए। ये भी देख सकते हैं आपके आपके छोटे भाई बहनों की तबीयत कैसी है और साथ साथ खाना पीना दवाइयां साथ लेकर रहें हर जगह। और एक बात, आपका उत्साह कम हो तो आप महामृत्युंजय के जप कीजिए। मकर राशि, परिवार में कलह क्लेश न करते हुए बोलने चालने के काम से धन आ रहा था तो उसको आने दीजिए, संचित हो रहा था होने दीजिए, निकालिए मत किसी भी काम के लिए और परिवार से नो मन मुटाव। कुंभ राशि, आपके लिए अब जो आपके पर्सनालिटी में बेचैनी आई है उससे बचना है, ये भी ध्यान रखना है कि आपकी वजह से कोई काम ना बिगड़े, आपके तबीयत ठीक रहे मानसिक और शारीरिक रूप से। मीन राशि, कुछ काम ऐसे थे जो आपके विदेश रिलेटेड बनने थे और कुछ काम आपके प्रेम संबंधों से रिलेट थे तो उनके साथ बना के रखिए, उनके साथ विघटन मत कीजिए, शांति रखिए, थोड़ा सा पीरियड है निकल जाएगा, खर्चों पर कंट्रोल करें। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है उज्जैन, महाकाल वहाँ रहते हैं आपके रक्षक
और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि वहाँ मंगलनाथ भी रहते हैं। जिन लोगों को मंगल शनि की प्रॉब्लम होती है वहाँ जाकर मंगलनाथ की पूजा कराते हैं, लेकिन यही मंगलनाथ तो आपके आसपास भी विचर रहे हैं, सभी जगह शिवलिंग बने हुए हैं, तो क्यों नहीं शिवलिंग पर जाके जल चढ़ा के महामृत्युंजय के जप करते हैं तो मंगल शनि की कोई समस्या नहीं रहेगी। हनुमान चालीसा पढ़ के आ जाइए सात बार, कोई समस्या नहीं रहेगी। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की शुभ वाली और शुभ वाली बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से कह देती हूँ। विजय कश्यप जी मुंबई से लिख रहे हैं कि जॉब नहीं लग रही, नंबर दिया है इन्होंने 29। तो विजय कश्यप जी आपकी जॉब लग सकती है बढ़िया वाली इन्हीं दिनों, थोड़ा सा पुश कीजिए और साथ साथ में हनुमान जी की आराधना करें, किसी से सलाह कीजिए, गुरु के शरण में जाइए, जरूर ये काम होगा आपका। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।